ये तो सभी कह रहे थे कि प्रियंका चोपड़ा ऐसे ही अपना एक एक मिनट का टाइम वेस्ट नहीं करती हैं और वो भारत 15 से 20 दिन रुकी जरूर कोई वजह रही होगी। तो अब इसकी वजह भी सामने आ गई है क्योंकि प्रियंका के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा का रोका सेरेमनी थी। अदाकारा की होने वाली भाभी का नाम नीलम उपाध्याय है और इस बार प्रियंका अपने भाई की होने वाली तीसरी शादी में शामिल होने के लिए आई। प्रियंका चोपड़ा हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस में शुमार है। मौजूदा समय में प्रियंका का नाम अपने भाई सिद्धार्थ चोपड़ा को लेकर चर्चा में। हाल ही में प्रियंका सिद्धार्थ के रोके के लिए अपने पूरे परिवार के साथ नजर आई थी। इस दौरान उनके पति निक और बेटी मालती भी दिखाई दिए थे। तब लोगों ने पहले ही शक कर लिया था कि जरूर कोई वजह रही होगी। प्रियंका के होने वाली भाभी का नाम नीलम उपाध्याय है और एक्ट्रेस की भाभी बनने को लेकर फिलहाल नीलम सुर्खियों में बनी हुई है। भारत आने को लेकर प्रियंका चोपड़ा इन दिनों काफी छाई रही। नीलम उपाध्याय तमिल और तेलुगु फिल्मों में अपनी अदाकारा का जलवा बिखेर चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने साल 2012 में आई तेलुगु फिल्म मिस्टर 7 में अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर प्रियंका की होने वाली भाभी ने अपनी खास पहचान बनाई है। बताया जा रहा है कि करीब 9 सालों से नीलम उपाध्याय फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद है, जबकि प्रियंका के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा एक फिल्म निर्माता है। सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय के रोके के बाद ये खबरें तेज हो गई कि इन दोनों की शादी कब होगी। कहा जा रहा है कुछ ही महीनों में प्रियंका के भाई की तीसरी शादी होने वाली है। प्रियंका चोपड़ा अब अपने ही वतन भारत में गेस्ट की तरह आती हैं और वो भी बहुत मुश्किलों से वक्त निकाल कर। ये तो आप जानते ही होंगे कि हाल ही में प्रियंका अपने भाई सिद्धार्थ की तीसरी बार सगाई में शामिल होने के लिए आई। प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ इससे पहले 2019 अप्रैल में इशिता से सगाई कर चुके, शादी फिक्स हो चुकी थी। फिर खबरें आई कि शादी को किसी वजह से पोस्टपोन कर दिया गया, जबकि परिवार से पता चला कि रिश्ता कैंसिल कर दिया गया। इसकी वजह किसी ने क्लियर नहीं की। इशिता से पहले सिद्धार्थ 2014 में गर्लफ्रेंड कनिका से सगाई कर चुके हैं। 2015 में कनिका के साथ सिद्धार्थ साथ फेरे लेने वाले थे, तभी खबरें आई कि इनका भी रिश्ता टूट चुका है और सिद्धार्थ अपने काम पर फोकस देना चाहते हैं, इसलिए वो शादी नहीं करेंगे। और अब 9 साल बाद फिर से सिद्धार्थ ने तीसरी बार सगाई की है, वो भी एक्ट्रेस नीलम उपाध्याय से, और फिर से लोगों को इनकी सगाई के टूटने के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रियंका तो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। उन्होंने अपने भाई को समझाया कि ये मजाक नहीं है रोज रोज सगाई करना, प्रियंका चाहती है कि तुरंत सगाई और शादी हो। प्रियंका ने अपने भाई को बहुत समझाया कि रिश्ते को निभाना सीखे, खेलना नहीं। प्रियंका अगर काम में बिजी ना रही तभी वो भाई सिद्धार्थ की शादी में शामिल हो पाएंगी। तो ये आपको बता दें, प्रियंका सिद्धार्थ और नीलम की सगाई में शामिल होने वाली भी नहीं थी क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाहती थी। यहाँ तक जब वो भारत आई और वापस अमेरिका भी गई तब भी उन्होंने किसी को इस बात की भनक नहीं होने दी। लेकिन सिद्धार्थ और नीलम ने अपने फोटो शेयर कर अपने रिश्ते का ही न केवल खुलासा किया बल्कि प्रियंका के भारत आने की वजह भी क्लियर कर दी। साल 2018 में प्रियंका चोपड़ा ने जब अमेरिकी एक्टर और सिंगर निक जोनास से शादी की थी तो हर तरफ एक ही बात हो रही थी कि ये शादी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। और अब यही बातें प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ के लिए हो रही है। वैसे सिद्धार्थ के हालात जिस तरह से हैं तो ये बात उन पर सूट भी कर रही है, लेकिन ये प्रियंका चोपड़ा है जो हर जगह अपनी न केवल वैल्यू बना कर रहती है बल्कि जहाँ से निकलती है लोग उन्हें याद करते हैं। यही वजह है कि निक जोनास और मालती के लिए प्रियंका जान है। प्रियंका ने बेटी को जन्म भले ही अपनी कोख से ना दिया हो, लेकिन जब से मालती प्रियंका की जिंदगी में आई है तब से प्रियंका ने कहा कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हैं, अगर देश भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगी। प्रियंका ने साबित कर दिया कि वो विदेशी जरूर बन चुकी हैं, लेकिन दिल से देसी हैं। रिश्तों को निभाना अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन उनके भाई सिद्धार्थ बिल्कुल रिश्ते निभाना नहीं जानते, इसलिए वो अब तक 2 सगाई तोड़कर तीसरी सगाई कर चुके हैं और शादी की चर्चा हो रही है। अब ये तीसरी सगाई की कहानी शादी तक पहुंच पाएगी कि नहीं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रियंका अपने भाई सिद्धार्थ से बहुत ही नाराज है। उनका कहना है कि पहले एक दूसरे को समझना चाहिए फिर ही सगाई और शादी करना चाहिए, ऐसे बीच में सगाई तोड़ कर नहीं जाना चाहिए। सिद्धार्थ की तीसरी सगाई से प्रियंका बिल्कुल खुश नहीं है। उनके मन में अभी से सवाल उठने लगे कि उनका भाई जब 3 लड़कियों को छोड़ सकता है तो कभी को उन्हें भी छोड़ सकता है। प्रियंका भले ही कितनी भी बिजी क्यों ना हो लेकिन अपने बिजी शेड्यूल से अपनी माँ और भाई के लिए वक्त निकाल कर भारत आ ही जाती है, लेकिन क्या भाई प्रियंका के लिए फर्ज निभा पाएगा।